हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या दिया है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो भी मैंने आज रेसिपी दी है मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट है, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए हम सब मिलके शताब्दी द किचन्स में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो लंच के लिए दूंगी वो है आलू भुजिया, जिसको हमारे बंगाली में कहते हैं आलू भाजा। ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट डिश है। तो सबसे पहले मैंने दो आलू ले लिया है, इसको अच्छे से धोकर छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा है, इस तरह से लंबाई में काटा है। आलू भाजा वैसे हम बंगालीज की बहुत ही फेवरेट डिश होती है। इसे आलू भाजा को हम रोटी, पराठे, चावल सभी के साथ पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और साथ में मैं पानी रखती हूँ, उसी में इसको डालती जाती हूँ ताकि आलू जो है काले ना पड़े, और दो तीन बार इसको धो लिया है अच्छे से। उसके बाद देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। आज मैं कलौंजी से नहीं इसको भूनूंगी, मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है और चार जो है हरी मिर्च डाली है। आप रेड वाली चिली भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आलू जो काट के रखे थे उसको मैं इसमें डालकर एक बार अच्छे से करछी से चला लेती हूँ। अभी मैं इसमें हल्दी और नमक का यूज नहीं करूंगी, जल्दी से एक बार इसको ढक कर रखती हूँ। 5 मिनट के बाद ही देखती हूँ कि आलू थोड़े से सीज भी जाएंगे और थोड़े से फ्राई भी हो जाते हैं, तो इस टाइम मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। अभी नमक का यूज नहीं किया है। नमक इसलिए यूज नहीं करती हूँ क्योंकि नमक डालते ही आलू में से पानी निकल आएगा, तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होता है। तो जब तक आलू जो है फ्राई होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी के लिए आटा गूंद लिया है और मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मुझे बहुत जल्दी ही काम करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयां बना ली है। पूरी और आलू भाजा तो बहुत ही फेवरेट डिश है हर किसी की। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लोइयां बना ली है और मैं इसको रख लूंगी। उधर मैं आलूओं को चेक कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने ढक्कन हटाया है और भी 5 मिनट हो चुका था। अब देख लेती हूँ मैं कि ये कितना सीजा है। वैसे ये हो चुका है आलू भाजा, लेकिन मुझे और थोड़ा गैस में बिना ढके इसको फ्राई करना है, इसलिए इसमें मैं अब थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून। आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा कम। अब गैस का फ्लेम जो है मैं तेज कर दूंगी और आलूओं को इस तरह से करछी चलाते हुए करीबन 1 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बीच में रख रख कर मैं आलूओं को अच्छे से फ्राई कर दूंगी। देखकर ही लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी बने हैं, और हस्बैंड को अगर मैं ये टिफिन बॉक्स में देती हूँ कभी कभी तो बहुत ही मतलब कि खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे आलू भाजा बलकर बिल्कुल ही तैयार हो गया है। अब मैं पूरियों को बेल लूंगी और इनको मैं तल लूंगी। पूड़ियाँ मैं आटा और मैदा को मिक्स करके भी कभी कभी बनाती हूँ, और कभी कभी जो है मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैदे का भी बनाती हूँ। दोनों ही पसंद है। शादी से पहले तो मैं आटा और मैदा मिलाकर ही मम्मी बनाती थी, लेकिन बाद में जो है मैदे का ही बनाती हूँ, क्योंकि इस साइड वेस्ट बंगाल में जो है मैदे का ही पूरी बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने बेल लिया है और इनको एक एक करके मैं अब तल लूंगी। पहले से ही मैंने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख रखा था। पूड़ियां बड़ी मजेदार ही तल रही हैं।
देखिए मैंने सारी की सारी पूरियां तल ली है। अब देखिए पहले जो लंच बॉक्स मैं तैयार कर रही हूँ उसमें मैंने आलू भाजा डाला है और पूरियों को इस तरह से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर चार पूरियां डाली हैं। एकदम गरम गरम ही रहता है ये। और इसके बाद मैंने दूसरे में डाला है ये है, ये ब्रेकफास्ट में खाएंगे। इसमें मैंने सूजी का हलवा बनाया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स के साथ सूजी का हलवा है। ये वाली रेसिपी की लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग सभी वहां से देख लीजिएगा। तो हलवा पूरी किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। ये मैंने देसी घी से बनाया है। अब इसमें भी मैं पूरियां रख दूंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट जाकर ही करते हैं और उसके बाद लंच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए दो तीन पूड़ियाँ रख दी हैं। अब यहाँ देखिए दही, मैं ये बाजार वाली मार्केट वाली दही है, एक बॉक्स में मैं दही भी डाल रही हूँ। ये दही मीठी नहीं है, ये खट्टी वाली दही है। ये मैं डाल रही हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट में ले लें और चाहे लंच में ले सकते हैं। इसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा गुड़ का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और डब्बे में गुड़ डाला है क्योंकि अगर दही के साथ डाल देती हूँ तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो देखिए मैंने लंच और ब्रेकफास्ट के डब्बे सारे अच्छे से तैयार कर दिए हैं। अब इनको मैं बंद कर दूंगी। तो आप लोगों को आज की जो लंच और ब्रेकफास्ट बॉक्स है वो कैसा लगा जरूर मुझे शेयर कीजिएगा और आप लोग भी एक बार इस तरह की लंच बॉक्स जरूर ट्राई कीजिएगा। आज का लंच बॉक्स आपको कैसा लगा जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा।